महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी नागपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। नई पेंशन नीति का विरोध कर राज्य के 83% सरकारी कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र के तमाम सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना है, न कि नई पेंशन नीति में सुधार करना। न्यूज 24 से बात करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि किसी भी विभाग में सारा जीवन देने के बाद बुढ़ापे में पेंशन ही उनका इकलौता सहारा होता है और यह उनका हक है जिसके साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। समूचे राज्य भर में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर तकरीबन 83% जो है कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों से बाहर है। आज उन्होंने हड़ताल पुकारी है। नागपुर में विधान भवन में जो है पूरी सरकार बैठी है राज्य की, और ये सारे कर्मचारी है जिन्होंने अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यलगार पुकारा है। और अपने आप में एक बात है कि देश के समाज में जो है पुरानी पेंशन हो या नई पेंशन हो, पेंशन जो है 40 साल किसी विभाग में काम करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो उसके वृद्धकाल को जो है संभालती। क्या लगता है सर पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि सरकार की इच्छा नहीं है पेंशन देने, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है पेंशन देने के लिए। असल बात ये है कि 2004 तक पुरानी पेंशन मिल रही थी पुराने वर्कर्स को, जो पुराने कर्मचारी हैं। 2004 के बाद में जो कर्मचारी लगे हैं, सरकार ने उनसे कहा है कि आप 10% कॉन्ट्रीब्यूट करिए, 10% सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। अभी सरकार 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और ये सारा पैसा जो है ये स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा। और जिस वक्त कर्मचारी रिटायर होगा, उस वक्त अगर स्टॉक मार्केट में अगर उठाव है तो उसको पेंशन मिलेगी, अगर उठाव नहीं है तो पेंशन नहीं भी मिल सकती है। हमारे पास में जो पूरे विश्व के आंकड़े हैं, जहाँ पर भी सरकारी कर्मचारियों को स्टॉक मार्केट से पेंशन लेना पड़ा, वहाँ पर उनको पेंशन नहीं मिली है। ये धोखा है हमारे सामने। और कर्मचारियों के पास में केवल उसकी ईमानदारी और उसकी संपत्ति केवल पेंशन है। 40 साल काम करने के बाद में अगर वो कहे कि हमारे पास में आपको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये बात हमें मंजूर नहीं है। आप 2004 के पहले जो कर्मचारी लगे हैं उनको लास्ट पे ड्रॉन का 50% आप पेंशन दे रहे हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि पेंशन जो है ये सरकारी कर्मचारियों का हक है, उनका अधिकार है। सरकार उनको पेंशन दे के कोई भीख नहीं दे रही है, मतलब इतना कठोर जजमेंट दिया है, इतना कठोर मैसेज दिया सरकार ने, उसके बाद भी अगर सरकार पेंशन ना दे, हम ये कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हमें लास्ट पे ड्रॉन का आप पेंशन कितना देने वाले हैं। क्योंकि अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं 2004 के बाद में जो लोग रिटायर हो रहे हैं करीब करीब 15 साल 16 साल की सर्विस करने के बाद 1300 रुपये 800 रुपये 900 रुपये पेंशन मिल रही है उनको। अब बताइए 1300 रुपये में कैसे गुजारा हो पाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि आप हमें एश्योर पेंशन दीजिए, जो कि हमारा अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सारे कोर्ट ने कहा है कि पेंशन सरकारी कर्मचारी को मिलना चाहिए। सर हमने आप ही के खेमे से सुना कि विधायकों, सांसद और मंत्रियों की पेंशन लगातार बनती है, हमारी पेंशन क्यों रोका जा रही है, क्यों मानसिकता है? हमारी 2005 से पेंशन बंद हो गई, स्टेट गवर्नमेंट आजकल अभी खासदार को, अंदर को, एमएलए को पेंशन मिलती है, लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी को नहीं मिल रही। हमारी एक ही मांगनी है कि हमारे जो 60 साल 58 साल के जब सेवाधि होते हैं लोग, उनको पेंशन मिलना चाहिए। अभी मेरे को पेंशन है लेकिन मेरी कब जाएंगे ये मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि उनको पेंशन देना हमारा कर्तव्य है। हम पिछले साल 14 से 20 तारीख तक संभव किया था, संभव फिर बाद में गवर्नमेंट से बातचीत हो गई, उसमें 3 मांगने मंजूर किया, स्थगित किया था, हमारा सर्वोच्च ने स्थगित कर दिया। अभी कल शाम ने चालू किया, कल हमको बुलाया था अपना हाउस में, 22 लोगों को बुलाया था, तो उसमें 4 लोग बुलाए सिर पर, हमने फिर वो पास डाल दिया, फिर दिया तो उसने और 16 पास दिया, उसमें कल 20 लोग वहाँ पर गए थे, उसमें बोला तुम संभव लेट अपना क्या बोलते ये स्ट्राइक पीछे लो, हमने बोला हम तो कल देखते हैं, हमने स्ट्राइक वापस नहीं लिया। तभी रात को 11:27 को सीएम से फोन आया था हमारे सचिव जी को, रात को आज उनको वहाँ पे बुलाया। और कब तक चालू रहेगा आपका ये बेमौसम है? जब तक मांग रही, जब तक पेंशन मिलती नहीं तब तक चालू रहेगा। अभी 3 बजे मीटिंग है और 3 बजे के बाद और क्या निर्णय आता है उसके बाद रहेंगे जी। और भी लोग मौजूद है, सरकार की क्या नीति है इसमें लेकर, बेहद महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो भाव रखती है पेंशन,
उसको अगर हटा दिया जाए तो एक परिवार पर कितना प्रभाव पड़ेगा? परिवार को देखो ना, आज प्रेजेंट में मैं जी रहा तो मैं कमा रहा, घर वालों को दे रहा, आज मरने के बाद मेरे फैमिली को क्या मिले? आज मेरा दुख एक्सीडेंट में मर गया, हाँ जितना पैसा लगा उन्होंने दवाखाने में लगाया, अभी बाद में जो पैसा बचा था हम लोगों ने उनको कलेक्ट किया, अभी कौन पार रहा उनको? जब आमदार को पेंशन मिल रहे, सीएम को पेंशन, हमारी छोटी सी पेंशन वो क्यों नहीं दे रहे? हमारे इनकम टैक्स काट रहे, पीटी काट रहे, ज़्यादा पेमेंट हुआ साल का तो उसमें से भी तुम 20% ले रहे, 40,000 ये कब तक चलेगा? और हमारा पैसा हमको नहीं, एनपीएस जो लाया उन्होंने 10% हमारा डालते हैं, जब हम मांगने डालते लेते तो हमारे 25% देते, उनका 25% नहीं दे रहे, तो वो हमारा पैसा जमा नहीं कर रहे। कॉमरेड, एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो भी कर्मचारी होता है सरकारी, उसकी सैलरी से जो इनकम टैक्स भी सरकार देती है, तो फिर देने में दिक्कत कहाँ है? नीति में कहाँ बदलाव करने की जरूरत महसूस हो रही है? सरकार की इच्छा होना चाहिए देने के लिए। आप जो अभी कह रहे थे कि एमपी और आमदारों को पगार पेंशन मिलती है, पीएफआरडी जो बिल बनाया हुआ है उसमें मंत्रियों को उसमें अलग रखा हुआ है, उसमें से यानी मंत्री 3 पेंशन लेते हैं, ये राज्यसभा की पेंशन लेते हैं, लोकसभा की पेंशन ले, गवर्नर बनते हैं तो पेंशन लेते हैं, आमदार चुन के आते हैं तो पेंशन लेते हैं, 4-4, 5-5 पेंशन मिलती है। आप उनसे कहिए कि आप भी नई पेंशन स्कीम में आ जाए तो वो आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नई पेंशन स्कीम से पैसा मिलने वाला है नहीं, ये व्यापारियों के दबाव में, ये जितने भी फंड मैनेजर हैं, ये अदानी अंबानी सारे ग्रुप के फंड मैनेजर हैं, ये पैसा वसूली कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी से केवल स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए। ये अपनी पेंशन नहीं डाल रहे स्टॉक मार्केट में, ये अपनी अश्योर्ड पेंशन ले रहे हैं जिसका हमारा विरोध है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग लंबे समय से हो रही है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर पेंशन हर महीने मिलती थी, साथ ही इसमें कर्मचारियों को कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान पेंशन के लिए देना पड़ता है और राज्य भी उतना ही योगदान देती है। फिर वह पैसा पेंशन फंड में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है, यानी ऐसे में पेंशन कितनी मिलेगी यह भी तय नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।